तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग पोको M2 प्रो के अंदर फोर्टनाइट चला के देखने वाले हैं कि ये कैसा चलता है, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस हमको कैसे देखने को मिलती है दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या हम पोको M2 प्रो के अंदर फोर्टनाइट चला सकते हैं, क्या पोको M2 प्रो में फोर्टनाइट चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो हमको इसमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और कितने FPS वगैरह देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों फोर्टनाइट एक काफ़ी बड़ा गेम है, तकरीबन 4 GB का ये गेम है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि मैंने इस गेम को कैसे इंस्टॉल किया था, तो उसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आप जल्दी से इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। और दोस्तों, इसका एक तगड़े वाला गेमिंग टेस्ट का वीडियो भी आने वाला है कि मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस वो को M2 Pro की कैसी है, तो उसके लिए अपने बाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको अभी इसका बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। 96 पर अब इसका बैटरी परसेंटेज है। और अब चलिए इस गेम को ऑन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, और इसने गेम स्टार्ट होने में ही मतलब काफ़ी 1-1.5 मिनट ले लिया था, काफ़ी धीरे स्टार्ट होता है ये। और जैसा कि आपको मैं अभी सेटिंग दिखा देता हूँ, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं दोस्तों, जिसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। और दोस्तों, इसके बाद अपन इसके मतलब सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। जैसे इसमें हमको 20 FPS का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब इसमें हमको जो परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क देखने को मिला या नहीं। तो अभी हम 30 FPS में ही खेलते हैं, इसके बाद में अपन इसको 20 FPS करके देखेंगे उसमें इसके बाद में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, और 30 FPS पे तो हमको थोड़ा ज़्यादा ही लैग देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हमको मतलब ये देखो कहीं कहीं पे तो कंट्रोल्स भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। और ये गेम स्टार्ट होने वाला पता नहीं कैसा चलेगा इसमें। और यहाँ पर दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं आपको FPS भी दिखाई दे रहे होंगे, अभी हमको 20-30 FPS के आसपास देखने को मिल रहा है। और यार, ग्राफिक्स की क्वालिटी तो मैं मानूंगा काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें हमको देखने में, मतलब COD वगैरह से। और अभी तो ठीक चल रहा है, मतलब थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स देखने को तो मिल ही रहे हैं इसमें हमको। और ये अपन मारे गए क्या? मुझे खेलना नहीं आता थोड़ा, लेकिन सही लग रहा है फिर भी गेम की क्वालिटी ग्राफिक्स को देख कर। तो और ये अपन फिर से गलत चुन गए। और मतलब अभी तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इसमें हमको, मतलब और तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता। और दोस्तों अभी ये और दोस्तों ये हमारा 4 GB वाला रैम वेरिएंट है, जो कि इसमें साहब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। और ये हम लोग हार गए हैं 1-10, मतलब काफ़ी बुरी तरह हारे। चलिए अब दोस्तों इसकी मतलब ग्राफिक्स की सेटिंग को थोड़ा चेंज करके देखते हैं, और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क देखने को मिला या नहीं। और दोस्तों, अपना फ़ोन हीट होना अभी भी शुरू हो गया है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगा है। तो दोस्तों, अब अपन इसकी ग्राफिक्स की सेटिंग्स को चेंज कर देख लेते हैं कि मतलब इसकी परफॉर्मेंस में कुछ हमको फ़र्क देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इस पर 30 FPS है, इसको अपन कर देते हैं 20 FPS, और ये मीडियम ही रहने देते हैं, और इनको सबको ऐसे ही रहने देते हैं। ग्राफिक्स को अकेला मैंने कम किया है,
देखते हैं इससे हम कुछ फ़र्क देखने को मिलता है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको अपने FPS दिखाई दे रहे होंगे। इस बार हमको 20 FPS ही दिख रहे हैं। और अब मैं कहाँ पर उतरूँ, मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। और मतलब ठीक ठाक FPS देखने को मिल रहे हैं हमको इसमें। मतलब कि लैग तो इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है, पर इसमें थोड़ा हमको कम लैग, मतलब FPS के फ्रेम ड्रॉप्स कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा प्लेबल लगा मुझे ये वाला भी। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि हमारा जो वेरिएंट है पोको M2 Pro का, वो 4GB वाला वेरिएंट है। मतलब कि हमारा इसने तो कर रहा ही थी दिया है। कहाँ गए ये? कभी कभी तो इसके पता नहीं कंट्रोल्स ही काम नहीं करते या फिर मुझे खेलना नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर आपको FPS भी दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ गए ये लोग हमला करने वाले, ये रहे। और ठीक ठाक परफॉर्मेंस लग रही है अभी तो मुझे। पानी में था क्या मैं? और पता नहीं यार इसमें वो वाला पबजी वाली बात तो नहीं आ रही यार ना, मतलब कि थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा कैसे खेलना है मुझे तो। अब और ये हम गए, और ये हम फिर से उतरे। अब की बात तो मारूंगा एक हाथ को। और हम तो बिना मारे ही मर गए। और ये हम फिर से नीचे जाते हुए, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अरे यार आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए हैं मैच के, जब तक हम पहुँचेंगे तब तक ख़त्म। और ये मैच ख़त्म, और ये हम फिर से हार गए। लेकिन इस बार हम थोड़े अच्छे से आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंसल्ट नहीं हुई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमको पोको M2 Pro में फोर्टनाइट के अंदर। मतलब कि आप कह सकते हैं ठीक ठाक काम चलाओ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों ये मेरा 4GB वाला, मतलब 4GB रैम वाला वेरियंट था, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा और मुझे लैग देखने को मिला। अगर 6GB वाले में हो सकता है और कम लैग देखने को मिले हमको इसमें। और मतलब दोनों ही सेटिंग्स पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। मतलब कि 30 FPS में तो थोड़ा ज़्यादा लैग हो रहा था, लेकिन 20 FPS में आप कह सकते हैं प्लेएबल था। और इसमें हमने दोस्तों ये लो पावर मोड ऑन कर रखा था, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आप वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और अपने बाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।